हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ गेहूं आटे का समोसा। वैसे एक बार मैं और कर चुकी थी फ्रेंड, पर अभी मेरे बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हैं जो शायद नहीं देखे हैं, तो इसलिए मैं आज लॉकडाउन पे हम समोसा कैसे बना सकते हैं घर में, तो मैं वही रेसिपी आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और बहुत आसान होता है फ्रेंड इसे बनाना, और मैदे का जो समोसा होता है उससे कई गुना ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, हेल्दी होता है। तो ज़रूर आप ये वाला ट्राई कीजिएगा अपने घर में। इसके लिए मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, तो यहाँ पर मैदा मैंने एक गिलास लिया है, और इसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा करायत जो बोलते हैं फ्रेंड वो डाल रही हूँ। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे देसी घी, अब चाहो तो तेल भी यहाँ पर डाल सकते हो। और इसे जैसे मोवन जब डालते हैं तो इसे हम चेक करते हैं फ्रेंड, मतलब ये जब मोवन इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद हम इसे लड्डू बांध के देखते हैं, मतलब हाथ से अगर वो बंधा गया तो मोवन इसमें परफेक्ट है, और अगर नहीं बंधा रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसमें मोवन कम है। तो आप थोड़ा सा तेल या घी जो भी डाले हैं उसे आप इसमें और डाल दीजिए। तो इसको देखिए लड्डू बांध के मैं दिखा रही हूँ, तो ये देखिए ये बन जा रहा है, मतलब हमारा मोवन जो है बिल्कुल ठीक है। अब इसे आप पानी डाल के सॉफ्ट आटा तैयार कर लीजिए। तो इसे हम सॉफ्ट आटा ही तैयार करेंगे फ्रेंड, एकदम ज़्यादा मतलब टाइट वगैरह नहीं रखेंगे। धीरे धीरे पानी डाल के इसे अच्छे से आप आटा लगा लीजिए। और यहाँ पर बेकिंग सोडा मैं डाली हूँ फ्रेंड, और चाहे तो हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में ही ठीक बनता है, क्योंकि मैं दोनों ट्राई कर चुकी हूँ। आपके पास जो अवेलेबल हो वो डालिए, और नमक भी थोड़ा सा देख कर ही डालिए फ्रेंड, क्योंकि इसके जो मसाला बनेगा फिलिंग बनाएंगे जो आलू का उसमें भी नमक हमें डालना है। तो यहाँ पर हम आटा में थोड़ा सा कम ही यूज़ करेंगे, और पानी थोड़ा धीरे धीरे करके डालिए, नहीं तो कभी कभी ज़्यादा मतलब गीला हो जाता है। तो पानी धीरे धीरे करके इसे आटा तैयार कर लीजिए। चाहो तो इसे आप फूड प्रोसेसर में भी आप आटा गूँथ सकते हो। आपको दिखाना था फ्रेंड, इसीलिए मैं इसे फूड प्रोसेसर में नहीं गूँथी हूँ, वरना मैं फूड प्रोसेसर में ही फटाफट इसे तैयार कर लेती हूँ आटा जो है। और तैयार हो गया आटा, अब इसे थोड़ा देर ढक के रख दीजिए, जब तक कि हम इसके लिए फिलिंग के लिए मसाला जब तक हम तैयार कर लेते हैं तब तक इसे आप ढक कर रख दीजिए। तो मसाला तैयार करने के लिए आलू मैं उबाल ली हूँ फ्रेंड, और यहाँ पर तेल गरम कर रही हूँ कढ़ाई में, और ये लोहे का कढ़ाई फ्रेंड इसलिए इसका कलर ऐसे दिखता है। और इसमें आप तड़के में चाहो जो भी डाल सकते हो फ्रेंड, मीठा पत्ती है तो मीठा पत्ती भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास नहीं था तो मैं नहीं डाली हूँ, पर अगर आपके पास रहेगा तो ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर सरसों और हींग डाल देती हूँ, और प्याज डाल दीजिए, हरी मिर्च और अदरक को मैं जो चॉपर होता है उसी से कट करके डाल रही हूँ, बारीक कट करके। और यहाँ पर मीठा पत्ती अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये हरी मिर्च और अदरक का चाहो तो आप पेस्ट डाल दीजिए, या फिर चाहो तो आप उसे एकदम बारीक क्रश करके भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं चॉपर से ज़्यादातर बारीक बारीक क्रश टाइप से कर लेती हूँ। और यहाँ पर हल्दी डाल देती हूँ, अदरक और मिर्ची का जो पेस्ट है फ्रेंड बहुत अच्छा टेस्ट देता है, और इसका जो कलर होता है जो हमारे मसाले का बहुत अच्छा आता है ये दोनों के कारण। तो हरा मिर्च ज़रूर यहाँ पर ट्राई कीजिए। और उसके बाद उबले हुए आलू डाल दीजिए, और इसमें नमक डाल दीजिए, और यहाँ पर थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर ये भी आप डाल दीजिए, और थोड़ा सा सब्जी गरम मसाला जो होता है या फिर कोई भी गरम मसाला जो आपको डालना हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए सभी मसाले तैयार, सूखे मसाले डालने के बाद। और थोड़ी देर इसे हम बस इसे पकाएंगे 3-4 मिनट, और उसके बाद इसमें डाल दीजिए हरा धनिया, और गैस को बंद कर दीजिए। अगर जैसे फ्रोजन मटर है या हरा मटर का दिन है तो आप मटर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, चाहो तो फल्ली भी आप यहाँ पे डाल सकते हो फ्रेंड, बहुत अच्छा लगता है। अब चलिए इसे हम बनाते हैं समोसा। तो समोसा बनाने के लिए आप जो हम लोग रोटी बनाते हैं फ्रेंड वैसे ही उतना ही बड़ा मैं लोई यहाँ पर ले रही हूँ, और इसे हम बेल लेंगे पहले अच्छे से, इसे ऐसे ही सॉफ्ट वो कर लीजिए, इसका पेड़े बना लीजिए। तो जितना बड़ा रोटी बनाते वैसे ही मैं बड़ा बड़ा साइज का ले रही हूँ थोड़ा सा, और इसे पेड़े बना के रख दीजिए। उसके बाद हम इसे बेलेंगे, और ये जो गेहूं आटे का जो होता है फ्रेंड समोसा वो बहुत ज़्यादा टेस्टी, मुझे मतलब मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और हेल्दी भी होता है फ्रेंड, क्योंकि मैदा जो है उसका तो कोई फ़ायदा होता ही नहीं है।
तो इससे अच्छा है कि अगर आप घर में अगर कभी भी बनाते हैं तो गेहूं आटा ही यूज़ कीजिए, गेहूं आटा से बनाइए। गेहूं आटे से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और कोई नुकसान भी नहीं है, छोटे बड़े सभी इसे खा सकते हैं। और इसे बेलने के टाइम फ्रेंड इसे मैं थोड़ा सा ऐसे अंडा का टाइप से मतलब ओवल शेप में ही इसे बेलिए, जिससे कि समोसा जो है इसका जो साइज होता है, जो मतलब शेप होता है, वो बहुत अच्छे से बनता है। तो ओवल शेप इस टाइप ही से बेलिए, ओवल शेप ही बेलना है आपको। और उसके बाद हम इसे बीच से, और इसका जो मोटाई है वो जो हम लोग का रोटी होता है फ्रेंड उतना ही रखना है, एकदम पतला नहीं करना है। और इसको दो टुकड़े काट के इसका जो सभी साइड से हम पानी लगा देते हैं, और पानी लगा के देखिए इस टाइप से इसे फोल्ड करना है और चिपका देना है। और उसके बाद इसमें आलू का फिलिंग जो है वो भर दीजिए। और उसके बाद जो ये देखिए जब हम ओवल शेप में जब बेले रहते हैं तो एक साइड जो है थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो उसी से हमें इसे बंद करते हुए बनता है। तो इसे आप फिर अच्छे से चिपका दीजिए और आपका ये समोसा देखिए बन के तैयार है। ऐसे ही सारे समोसा आप बना लीजिए, आपको जैसा इजी लगा वैसे बना लीजिए फ्रेंड, मैं इसी टाइप से बनाती हूँ। अब दूसरा वाला देखिए, इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। और बड़ा वाला जो निकला हुआ है उसको आप चाहे तो बीच से थोड़ा सा फोल्ड भी करके डालते हैं फ्रेंड, पर मैं ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे यही वाला ज़्यादा इजी लगता है। और ये देखिए इसे चिपका दीजिए, पानी ज़रूर लगाइए, इसे अच्छे से चिपक जाता है। और अच्छे से इसे दबाइए। अब तेल को हम गर्म करते हैं, तो यहाँ पर तेल को एकदम ज़्यादा गर्म नहीं करना है क्योंकि उससे क्या होता है समोसा जो है जल जाएगा और अंदर से पकेगा नहीं। तो इसीलिए हल्का सा जब तेल गर्म हो जाए तभी हम यहाँ पे समोसा डाल देंगे, जिससे कि जो समोसा है वो अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हमारा पक जाएगा। तो ये वाला जो टिप्स है उसे ज़रूर याद रखिए, क्योंकि तेल को एकदम ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म होने के बाद आप समोसा डालिए, जिससे कि आपका समोसा जो है अंदर से अच्छे से पक जाएगा, क्रिस्पी होगा और जलेगा नहीं। और तेल अगर ज़्यादा गर्म है और अगर आप डालेंगे तो समोसा जल जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा फ्रेंड्स। तो ये वाला जो टिप्स है कई लोग यहाँ पर गलती करते हैं, जैसे पहले मुझे भी नहीं पता था तो मैं भी ऐसे ही करती थी। तो इसीलिए ये मतलब हम जब पूड़ी बनाते हैं तब हम गर्म तेल में डालते हैं एकदम ज़्यादा, तो ये हम यहाँ पे समोसा बना रहे हैं हमको क्रिस्पी चाहिए, तो इसीलिए तेल को गर्म हल्का गर्म करने के बाद ही इसमें आप डालिए, ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है। और उसके अच्छे से पकने के बाद इसे पलट देना है, और पलटने के बाद इसे दूसरे साइड से भी हम क्रिस्प होने तक इसे तलेंगे। तो कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, और जब ये जब हो जाता है पक जाता है तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है और एकदम गोल्डन ब्राउन क्रिस्प दिखने लग जाता है। तो आप इसे मीडियम आंच में ही तलिए, आंच एकदम ज़्यादा भी नहीं कीजिए और ना ही एकदम कम करिए। तो देख सकते हैं कितना क्रिस्प कलर आया है फ्रेंड, देख सकते बहुत ही क्रिस्पी समोसा बना है और साथ में टेस्टी और हेल्दी तो है ही। हेल्दी इसलिए है क्योंकि हम इसे गेहूँ आटे से बनाए हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैदे का जो समोसा है वो उतना अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर जो बचे हुए मेरे जो समोसे थे उसे भी यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, जितना समोसा हमारा कढ़ाई में आ सकता है उतना आप डाल दीजिए, आराम से वो पक जाता है। तो मेरा जितना समोसा बचा है वो सभी मेरे इसमें आ जाएंगे। और ये देखिए जो तला हुआ जो समोसा है कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन हुआ है। और ये जो समोसा है सेकेंड ट्रिप जो डाली हूँ वो भी देखिए एक साइड से पक गया है, इसे भी अब दूसरे साइड से पलट के और अच्छे से क्रिस्प होने देती हूँ। और इसे क्रिस्प होने तक हम इसे भी अच्छे से सेक लेते हैं। तो ये देखिए सभी समोसे मेरा तैयार है, और ये जो चटनी मैं बनाई हूँ वो चटनी है। तो
तो टमाटर लहसुन अदरक मिर्ची का और धनिया का ये चटनी है, उसमें तड़का लगा दी हूँ सरसों और जीरा और मीठा पत्ती से। और ये देखिए समोसा, तो ये देखिए फ्रेंड्स बन गया है समोसा। और ये जो है टमाटर का चटनी तड़का लगाए वाला, तो चलिए इसे गर्मा गर्म खा लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ आपको इसकी टेस्ट कैसा है।